लीलागढ़ नदी में बने एनीकट से गिरकर बहे 4.5 साल के मासूम शुभम का 23 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से SDRF की टीम भी पहुंच गई है और जिले के गोताखोरों के साथ ही स्थानीय पुलिस और मल्हार पुलिस की मदद से बच्चे की खोजबीन की जा रही है। दरअसल कल शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे प्रकाश पटेल मल्हार की ओर से अपने गांव डोंगा कहरौद आ रहा था। रास्ते में कोसा गांव के पास लीलागढ़ नदी में बने एनीकट को अपने बेटे को बाइक की टंकी में बिठा कर पार कर रहा था। उसकी पत्नी पीछे थी। इस दौरान बैलेंस बिगड़ा और बाइक समेत प्रकाश, उसका बेटा शुभम एनीकट से नीचे लीलागढ़ नदी के तेज बहाव में गिर गए। प्रकाश पटेल तैर कर बाहर निकल गया लेकिन उसका बेटा शुभम नदी में बह गया। उसकी खोजबीन के लिए मुलमुला पुलिस पहुंची और बाद में पामगढ़ SDM तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे थे। आज यहां SDRF की टीम भी पहुंच गई है और सुबह से बच्चे को तलाश की जा रही है लेकिन 23 घंटे बाद भी लापता बच्चे का पता नहीं चला है। रेस्क्यू टीम द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही है। ये डोंगा कहरौद निवासी प्रकाश पटेल अपनी पत्नी के साथ और 4 वर्षीय बच्चे को लेकर डोंगा कहरौद से मल्हार से डोंगा कहरौद अपने घर आने के लिए निकले हुए थे और लीलागढ़ नदी पर बने एनीकट को पार कर रहे थे। तो एनीकट को पार करते हुए बाइक में अपने बच्चे को बैठाकर जा रहे थे तो उनका 4 वर्षीय लड़का नदी में बह गया है और उसकी तलाश अभी जारी है। हमारे गोताखोर लगे हुए हैं।